الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ومؤزز تھے قارئ قرآن ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں قارئ قرآن ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے میں نے اس ذات پہ کہنے کی جسارت کی ہے کہ جس کے دامن پہ فرشتوں نے عبادت کی ہے کسی جرت میرے آقا کے برابر آئے میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے اللہ اللہ کیا تھے وہ لوگ جن لوگوں نے چلتے پھرتے میرے مصطفیٰ کی زیارت کی ہے انتہائی واجب الاحترام سامعین محترم دوستو بزرگو نوجوان ساتھیو آج کا یہ عظیم الشان پروگرام تکمیل القرآن مجید کے حوالہ سے انعقاد پذیر کیا گیا ہے رب العالمین حضرت مولانا قاری محمد طاہر صاحب جنہوں نے آپ کو پورے کا پورا قرآن مجید سنانے کی سعادت حاصل کی ہے اور مبارکباد کے مستحق ہیں آپ حضرات جنہوں نے پورے کا پورا قرآن مجید نماز تراویح میں سنا رب العالمین سننے اور سنانے کو اپنے دربار عالیہ میں قبول فرمائے آمین تو کہہ دیں ذرا سامعین محترم آج نامی رات ہے مسلسل قرآن پاک کی تکمیل کے لیے پروگرام جاری ہے ابھی بھی مدینہ مسجد میں بیان کرتے ہی سیدھا ادھر پہنچا ہوں اگر آپ لوگوں کی توجہ سبحان اللہ کانوں تک پہنچتی رہے گی تھوڑے ٹائم میں انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا ذرا اونچی آواز سے کہیں نا اور اونچی آواز سے اس سبحان اللہ میں میرا بھی فائدہ ہے اور آپ لوگوں کا بھی فائدہ ہے ذرا کہیں ذرا سامعین محترم اس دھرتی کائنات پر ہر انسان دوسرے انسان سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے کہ میرا فلاں کے اوپر یہ حق ہے اس کا میرے اوپر یہ حق ہے اللہ کے بھی اپنے بندوں پہ حقوق ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اپنے بندوں پہ حقوق ہیں یہ جو قرآن مجید ہے اس پر بھی بندوں کے حقوق ہیں قرآن پاک بھی اپنا حق لینا چاہتا ہے آپ حیران پریشان ہوں گے کہ قرآن ہم سے کون سے حق کا مطالبہ کرتا ہے قرآن پاک نے پہلا مطالبہ یہ کیا کہ مجھ پر ایمان لے کر آؤ قرآن کا پہلا حق یہ ہے
मुझ पर ईमान लेकर आओ। हम तो ईमान लेकर आए तौरात के ऊपर भी, हम तो ईमान लेकर आए जबूर के ऊपर भी, हम तो ईमान लेकर आए इंजील के ऊपर भी, और हम ईमान लेकर आए अल्लाह की आखिरी किताब कलामुल्लाह पर। लेकर ईमान लाने का क्या मसला है? ये अल्लाह की किताब ऐसी किताब है जो अल्लाह का कलाम है। तौरात आई, लिखी लिखाई आई, अल्लाह का कलाम नहीं है। इंजील आई, लिखी लिखाई आई, अल्लाह का कलाम नहीं है। जबूर आई, लिखी लिखाई आई, अल्लाह का कलाम नहीं है। लेकिन ये कुरान अल्लाह की किताब भी है, अल्लाह का कलाम भी है। आप कहेंगे कैसे अल्लाह का कलाम सबसे पहले कुरान की तिलावत करने वाले अल्लाह है, सबसे पहले कुरान की तिलावत करने वाले अल्लाह है। तौरात को भेजा, अल्लाह ने उसकी तिलावत नहीं की। इंजील को भेजा, तिलावत नहीं की। जबूर को भेजा, तिलावत नहीं की। तौरात दे के आने वाले जबरील ने इंजील को नहीं पढ़ा, तौरात को नहीं पढ़ा, जबूर को नहीं पढ़ा। लिखी लिखाई लाकर वक़्त के नबियों के स्मरण कर दी गई। अल्लाह का कुरान सबसे पहले अल्लाह ने पढ़ा, फिर फरिश्तों ने पढ़ा, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा। तो रात आई, लेकिन कानून की किताब थी। इंजील आई, कानून की किताब थी। जबूर थी, कानून की किताब थी। अल्लाह का कुरान ये कानून की किताब भी है, असूल की किताब भी है, पढ़ी जाने वाली भी किताब है। धरतीये कायनात पे तौरात को कुछ लोगों ने पढ़ा, इंजील को कुछ लोगों ने पढ़ा, ज़बीर ज़बूर को कुछ लोगों ने पढ़ा, लेकर अल्लाह का कुरान मेरे मुआविया मस्जिद में भी पढ़ा जाता है, मदीना मस्जिद में भी पढ़ा जाता है, मदरसे वाली मस्जिद में भी पढ़ा जाते हैं। नहीं बल्कि नूरार की हर मस्जिद के अंदर कुरान पढ़ा जाते हैं। नूरार को छोड़ के जिला नारोवाल में चला जाए, करिया करिया बस्ती बस्ती कुरान को पढ़ा जाते हैं। पाकिस्तान को छोड़कर अमेरिका में चले जाओ, कुरान पढ़ा जाते हैं। ईरान में कुरान पढ़ा जाते हैं। अरब की सरजमीन पर कुरान पढ़ा जाते हैं। धरतीये कायनात पर सबसे ज्यादा जिस किताब को पढ़ा जाते हैं उसे कुरान कहा जाते हैं। ये कुरान का पहला हक है। इस पर ईमान लेके आए। कुरान पर ईमान क्या है? कुरान हिफाजत शुदा किताब है। तो रात आई, हिफाजत का जुम्मा वक़्त के नबी को दे दिया गया। इंजील आई, हिफाजत का जुम्मा वक़्त के नबी को दे दिया गया। ज़बूर आई, हिफाजत का जुम्मा वक़्त के नबी को दे दिया गया। लेकिन कुरान कैसी किताब है? नहरो नज़लना ज़िक्रा बहिन्ना लहू लहाफिज़ून। इस कुरान को भेजने वाला भी मैं हूँ, इस कुरान की हिफाजत मैं करने वाला हूँ। अल्लाह इस कुरान की हिफाजत कैसे की जाएगी? अल्लाह फरमाते हैं कहीं पे इस कुरान को जबरील पढ़ के कुरान की हिफाजत करता हुआ नजर आएगा, कहीं पे रसूल पाक कुरान की तिलावत करते हुए पढ़कर हिफाजत करते हुए नजर आएंगे। तवज्जो करना, कहीं पे अबू बकर कुरान की तिलावत करते हुए कुरान
सुभान अल्लाह लेकर आइए राहुल जी वास से कहें कुरान की एक एक आयत तिलावत करना, जान पर खेल कर इनारे सदाकत करना, मुस्जिद ने बतलाया जिंदगी क्या है तमन्ना शहादत करना, कुरान पर ईमान लेकर आना, कुरान की हिफाजत करना। हजार बिन यूसुफ नाम सुना आप लोगों ने कि नहीं सुना, कई हजार सहाबा इकराम के गर्दनों को जिस्मों से जुदा करने वाला यहूदियों का लश्कर आ गया उसके पास के कुरान पाक का एक नुक्ता नीचे से ऊपर ले आए, एक नुक्ता साल लगा दे आप पढ़ते हैं में डूब के देख रहे हैं वो कौन सा नुक्ता है जहाँ पे मूसा अलैहि सलाम खिजर अलैहि सलाम चल पड़े थे, बस्ती में गए, बस्ती वालों से खाना मांगा, बस्ती वालों ने खाबाऊ इनकार कर दिया, पानी देने से इनकार कर दिया, बिस्तर देने से इनकार कर दिया, सिलेंडर देने से इनकार कर दिया। इसकी मिसाल जो समझे जैसे जमात किसी मस्जिद में रहती है किसी चीज का मुतालबा करती है, मस्जिद वाले उनका इकराम करने से इनकार कर देते हैं, मूसा पैगंबर के इकराम का इनकार कर दिया गया, खिजर के इकराम का इनकार इनकार कर दिया। यहूदियों का लश्कर हजाज के पास गया, हजाज नीचे का नुक्ता उठाए ऊपर लेकर चले गए, पाकाऊ करते फिर क्या होगा, यहूदियों ने खाना भी दिया, यहूदियों ने बिस्तरा भी दिया, कपड़े भी दिए, पानी भी दिया, सब कुछ दिया। हजाज कहते हैं मेरे मेहमान खाने में चले जाओ, ये खाने के पुजारी मेहमान खाने में चले गए। हजाज ने एक को भी बेचा, दूसरे को भी बेचा, तीसरे को भी बेचा, चौथे को भी बेचा, सब चले गए अपने घर में गए, तलवार को पकड़ा सीधा अपने मेहमान खाने में गया, एक को कत्ल कर दिया, दूसरे को कत्ल कर दिया, तीसरे को कत्ल कर दिया। किसी पूछने वाले ने पूछा हजाज कत्ल किस वजह से, एक नुक्ता तो है, हजाज कहते हैं मैं मर सकता हूँ मिट सकता हूँ लेकिन कुरान के एक नुक्ते पे मैं फर्क नहीं ला सकता। वजह क्या है, अल्लाह इस कुरान को देखने वाला, अल्लाह इस कलाम को देखने वाला, आखिरी पैगंबर पे इस कुरान को नाजिल किया गया, अल्लाह इस कुरान की हिफाजत करने वाले, अल्लाह इस कुरान की किताब के कलाम करने वाले। मैं मर सकता हूँ लेकिन मैं कुरान के एक नुक्ते की तब्दीली नहीं ला सकता। मैं कहता हूँ हजार तेरी तलवार के साथ हजारों लोगों के खूनों को रंगीन किया गया, तूने सरों को चुभा कर दिया, लेकिन वजह क्या है, तूने इनको कत्ल करके ईरान कर दिया। ये किताब भी सच्ची है, इसको बेचने वाला भी सच्चा है, जिस नबी पे किताब आई वो किताब भी सच्ची है। मैं इसके रुकते में फर्क नहीं रख सकता, वजह क्या है, कुरान को अल्लाह बेचने वाला, अल्लाह इसकी हिफाजत करने वाले। कुरान की हिफाजत करने वाला कौन है, अल्लाह। कुरान का दूसरा हक क्या है, क्या है, तालीम और तअल्लुम, कुरान पाक का सीखना सिखाना, कुरान पाक का पढ़ना पढ़ाना। इन्नमा अना कासिमुन बल्लाह युती, आपके दिल में ख्याल आएगा फजीस पढ़ाने वाला बेहतर है, बायोलॉजी पढ़ाने वाला बेहतर है, इंजीनियर की किताबें पढ़ाने वाला बेहतर है, रियाजी पढ़ाने वाला बेहतर है, बेहतर होगा बेहतर होगा। लेकिन अल्लाह के किताब का, अल्लाह के कुरान का मुकाबला नहीं कर सकता। वजह क्या है, मेरे पैगंबर ने फरमाया तुम में से
नहीं पढ़ा, टेप की किताबों को नहीं पढ़ा, अगर पढ़ा है कुरान को पढ़ा है, अगर मेरे पैगंबर ने पढ़ा है अल्लाह की किताब को पढ़ा कुरान को पढ़ा, कि मेरे पैगंबर ने फरमाया ऐसा था मैं तस्लीम करने वाला हूँ, तुम लेने वाले हो। अबू बकर आया तस्लीम कर दिया, फारूक आजम आया तस्लीम कर दिया, उस्मान आया तस्लीम कर दिया, अली आया तस्लीम कर दिया, तल्हा आया से तस्लीम कर दिया, मुआविया आया तस्लीम कर दिया। अल्लाह के पैगंबर किस वजह से फरमाइए किताब मेरे ऊपर आई, मेरे सहाबा ने तस्लीम कर दी, लेकिन मैं कुर्बान सहाबाए किराम ने कुरान को अपने सीने के साथ लगा लिया। इन सहाबा को कुरान से पहले कोई पूछने वाला नहीं था, कुरान से पहले सिर्फ अबू बकर था, लेकिन कुरान के आने के बाद सिद्दीक पर बनता हुआ नजर आता है। कुरान से पहले उमर इब्ने खत्ताब था, कुरान के आने के बाद फारूक आजम बनता हुआ नजर आता है। पहले सिर्फ उस्मान था, कुरान के आने के बाद उस्मान ज़ुनूरैन बनता हुआ नजर आता है। पहले अली था, कुरान के आने के बाद शेर खुदा अशरफुल्ला बनता हुआ नजर आता है। पहले हुसैन था, कुरान के आने के बाद कुरान को पढ़ने के साथ शहीद करबला बनता हुआ नजर आता है। पहले मुआविया था, लेकिन कुरान के पढ़ने के साथ कुरान के सीखने के साथ मुतबरे मुआविया बन जाता है, सियासत मुआविया बन जाता है। कुरान को पढ़ते जाओ, इज्जतों को कमाते जाओ, कुरान को पढ़ते जाओ, दुनिया के सामने भी अल्लाह के सामने भी सरखरु होते जाओ। किस वजह से कौम में से बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को पढ़ते है और कुरान को पढ़ाता है। आखिरी बात और आखिरी हक क्या है कुरान का? तबलीगुल कुरान, तबलीगुल कुरान, इशारतुल कुरान। तबलीग का लफ्ज तो हम वैसे समझने वाले हैं जिसका सरोजा भी है वो भी समझते हैं कि तबलीग किसे कहा जाते हैं, जो बात पहुंची आगे पहुंचाता ना, ये क्या है तबलीग। अबू बकर आए नबी के पास कलमा पढ़ा, मेरा क्या काम है? अबू बकर जो मेरा काम है वो तेरा काम है। उमर कलमा पढ़ा, मेरा क्या काम है? जो मेरा काम है वो तेरा काम है। उस्मान जो मेरा काम है वो तेरा काम है। अली जो मेरा काम है वो तेरा काम है। अल्लाह ये तक में किस वजह से फरमाया? इस वजह से तुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों की नफा परेशानी के लिए तुम्हें पैदा किया गया, तुम्हें निकाला गया, लोगों की इच्छाई के लिए तुमको पैदा किया गया। ये कुरान तबलीग के लिए आया। सहाबा ने जरा दिल पे हाथ रखना, तवज्जो के साथ, बस चंद लम्हों के बाद मैं का ये मैं को छोड़ने वाला हूँ, तवज्जो करना, मेरे जुमरे को जाया ना करना। सहाबा ने कुरान को सीखा, अबू बकर ने सीखा, हजरत फारूक आजम ने सीखा, अली ने सीखा, तलहा ने सीखा, फिर हुआ क्या? ये सहाबा इकराम कुरान को लेके सफर तक पहुँचने वाले सहाबा इकराम है। अफगानिस्तान की जमीन पे पहुँचने वाले सहाबा इकराम है। अफगानिस्तान की सरजमीन पे पहुँचने वाले सहाबा इकराम है। चीन के अंदर कब्रिस्तान बनाने वाले सहाबा इकराम है। अमेरिका के जजीरों में जाने वाले सहाबा इकराम।
सहाबा के सबसे पहले नबी के लिए मारे खाने वाले, सहाबा के सबसे पहले नबी के पीछे चलने वाले, सहाबा के सबसे पहले अपनी बीवियों को बेवा करवाने वाले, सहाबा के सबसे पहले अपनी अपने बच्चों को यतीम करवाने वाले, सहाबा के अगर नबी ने मक्का छोड़ा, सहाबा ने मक्का को छोड़ दिया, अगर नबी मदीना में थे, सहाबा मदीना में चले गए, अगर मेरे पैगंबर मेरे बदर में थे, सहाबा बदर में चले गए, अगर मेरे पैगंबर ओहद में थे, ओहद में जाने वाले, सहाबा अगर तबूक में मेरे पैगंबर थे जाने वाले, सहाबा खंदक में नबी थे पीछे जाने वाले सहाबा हैं। बल्कि मूसा के सहाबा ने कहा, हमने इनकार कर दिया जिहाद के लिए, मूसा तुम जाओ तुम्हारा खुदा जाए। लेकर यहाँ पे सहाबा क्या कहते हैं, जहाँ पे नबी का पसीना लगेगा वहाँ पे अबू बकर का खून लगेगा, वहाँ पे फारूक आजम का खून लगेगा, अली का खून लगेगा। 1,24,000 सहाबा इकराम जो नबी के हाथ पे बैत करने वाले थे, सब कुछ लुटा दिया, नबी के लिए मक्का छोड़ दिया, नबी के लिए मदीना छोड़ दिया, नबी के लिए हत्ता के अरब को छोड़ दिया, नबी के लिए पूरी दुनिया में फैल गए। किस वजह से? कलमे को लेके जाने वाले सहाबा इकराम, नमाज की दावत लेके जाने वाले सहाबा इकराम, रोजे को लेके जाने वाले सहाबा इकराम, हज को लेके जाने वाले सहाबा इकराम, एक एक के हक को लेके जाने वाले सहाबा इकराम। अगर सहाबा मेरी तरह आपकी तरह मक्का में बैठ जाके, मदीना में बैठ जाके, अरब के जुल्जलाल की कसम, ये कुरान मक्का वालों के पास रहता, ये निमाज उनके पास रहती, ये हक उनके पास रहता, ये हक उनके पास रहता। लेकिन कलमा पहुंचा, सहाबा के सदके नमाज पहुंची, सहाबा के सदके ज़कात पहुंची, सहाबा के सदके हज पहुंचा, सहाबा के सदके तबलीग पहुंची, सहाबा के सदके। अगर हम सहाबा के दामन को छोड़ देते हैं, ना कलमा पढ़ते हैं, ना नमाज पढ़ते हैं, ना रोजा पढ़ते हैं, ना हज पढ़ते हैं, किस वजह से? हर हदीस का पहला रावी सहाबी है, बुखारी की पहली हदीस का पहला रावी सहाबी है, मुस्लिम की पहली हदीस का रावी सहाबी है, मुस्लिम की हदीस का पहला रावी सहाबी है, सहाबा है, कलमा है, सहाबा है, नमाज है, सहाबा है, बैतुल्ला है, सहाबा है, रोजा रसूल है, सहाबा है, मक्का है, सहाबा है, मदीना है। अगर सहाबा नहीं, अगर सहाबा नहीं, ना बुखारी मिलेगी, ना मुस्लिम मिलेगी, ना बुधौत मिलेगी, ना कारी इस्माइल मिलेगा, ना मौला ताहिर मिलेंगे, ना कारी अब्दुल बसीर मिलेंगे। किस वजह से? इनके पास कुरान का आना, सहाबा का सदका, मसाजिद का मिलना, सहाबा का सदका, मदारस का चलना, सहाबा का सदका, दीन का चलना, दीन का बचना, सहाबा का सदका, तबलीग में जाना, सहाबा का सदका। सहाबा है तो सब कुछ है, सहाबा नहीं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कौन कौन राजी हासे कौन सहाबा, सहाबा, सहाबा वजह क्या है? हर तकरीर में सहाबा, सहाबा क्यों कहा जाता है? अगर दीन को बचाना है तो सहाबा का दिफा करना पड़ेगा। अबू जहल पे टैग क्यों नहीं किया रहता? अबू लहब पे टैग क्यों नहीं किया रहता? उत्बा शहबा को क्यों तंग नहीं किया रहता? अबू बकर पे, उमर पे, उस्मान पे, मुआविया पे, किस वजह से? ये ईसाई दीन है, दीन की जड़ है, वो दीन की जड़ों को कमजोर करके कलमा खराब करना चाहते हैं, नमाज खराब करना चाहते हैं, ज़कात का पहले तो मुनकर है, ज़कात को खराब करना चाहते हैं। बैतुल्ला काज यहाँ पे तशरीफ नहीं करते, उमरा यहाँ पे तशरीफ नहीं करते, लेकिन हमारे पूरे के पूरे दीन की बका के लोगों पे है, सहाबा पे। क्या थे वो लोग
जिन्होंने चलते फिरते मेरे मुस्तफा की ज़ियारत की है, अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ कल सुना गया अल्लाह ताला मुझे रात को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आप दावा ना।